नेत्री हैं ममता तिवारी, जो वर्तमान समय में निगरानी समिति एवं समन्वय समिति की जिले की सदस्य रही हैं। मैं आपसे गांव पर चर्चा के बारे में जानना चाहता हूं कि हमने हाल ही में गांव पर चर्चा शुरू की थी, तो गांव पर चर्चा को सुनकर के आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं जो गाँव की चर्चा देखती भी हूँ और सुनी भी हूँ, तो ये बहुत ही मेरे मतलब हिसाब से, जैसे मैं गांव-गांव जाती हूँ उस गांव के सर्वे के हिसाब से बहुत ही अच्छी ये गांव की चर्चा है। इससे लोग बहुत जागरूक होंगे, जो लोगों की सोच विचार है, जो अपनी विचारधारा नहीं पहुंचा पाते, कहीं ना कहीं उनकी दब जाती है बातें, तो इस आपके गांव की चर्चा पर से उनको मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये गांव की चर्चा तो हमारे लिए चर्चा, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये गांव की चर्चा पे स्पेशल चर्चा हमारे लिए हो रही, तो काफ़ी गांव के लोग मतलब इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसी चर्चाएँ होती रहें। इसी से सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारी पार्टी का ये होगा कि लोगों को मिलेगी, लोगों को एक अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छी जानकारी। तो ये आपने एक बड़ी बात कही कि गांव पर चर्चा, गांव के लोगों को लगता है कि हमारी चर्चा है, हमारी अपनी चर्चा है, गांव की जनता के मुद्दों की चर्चा है, तो यही सोच करके हमने एक चर्चा की शुरुआत की थी। और जैसे आप देख रहे हैं कि हाल ही में पंचायत चुनाव होने वाला भी है और देश का जैसा राजनीतिक माहौल है, प्रदेश का जैसा राजनीतिक माहौल है, राजनीति में जितना संक्रमण फैल गया है कि आप देखते हैं कि कैसे किसी भी तरह के लोग राजनीति में आ जाते हैं, उसके बाद देश का एक माहौल, समाज का एक माहौल खराब होता है। तो हमारी जो कोशिश है कि गाँव पर चर्चा के माध्यम से राजनैतिक बदलाव हो, नए लोग आएँ, समर्पित लोग आएँ जिनका समर्पण है राजनीति में, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप इसी समर्पण के साथ भविष्य में पंचायत चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं? क्या वो जिला पंचायत का चुनाव हो या प्रधान का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, इनमें से क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, आखिर अगर लड़ना चाहेंगी तो कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगी, जिला पंचायत का लड़ना चाहेंगी कि क्षेत्र पंचायत का कि प्रधान का, और क्या समर्पण की भावना से लड़ना चाहेंगी? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहूँगी कि मैं इसी समर्पण मैं लगातार 10 साल से जो सेवा जनता में दे रही हूँ, तो यही इसी समर्पण किसी तरह को जागरूक करना, जब से आपका मैं चैनल देखी और आपकी जो गांव पे परिचर्चा हो रही है, इस चर्चा पे लोग बहुत ज़्यादा हमसे बार बार कहते हैं कि बहन जी उन्हें यह लगता है कि ये और गांव की यहाँ की चर्चाएँ जो होती हैं वो नहीं सुनी जाती, उन्हें लगता है ये चर्चा से हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में, चूँकि वो मोदी जी और योगी जी से बहुत प्रभावित लोग हैं और जो जितने हमारे पुराने हैं सभी विचारधारा के, और गांव में तो मोदी और योगी से भी ना प्रभावित हुए लोग भी आपको मिलते होंगे? वो मतलब ना प्रभावित वाले मुझे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं भाई बहन उनको ये बना के रखे हैं कि नहीं ये हमारे नहीं हैं, वो सभी आपके विचारधारा के लोग हैं, वो जिस समय नहीं थी ये विचारधारा उस समय वो कहाँ जुड़े। लेकिन जब आप गांव का विकास देखने जाती हैं तो गांव का विकास क्या हुआ है वास्तव में आपको नजर आता है? गांव के अंदर जल निकासी की व्यवस्था है कि सड़कों के ऊपर पानी बहता है? नहीं, दिक्कतें तो हैं, ये सबसे बहुत बड़े हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे मैं क्या बताऊं, जो हमारी सोच है सरकार की, जितनी अच्छी योजनाएं हैं ना जीवन में कभी आई थी ना कभी आएंगी, ऐसी योजनाएं जो हमारी मोदी जी और योगी जी द्वारा, उसके बाद भी जमीन में दिक्कतें तो हैं, जमीन में जो भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है गांव के अंदर का जो भ्रष्टाचार है उसका कभी अंत हो पाएगा? नहीं, और नहीं। अंत होगा तो कैसे होगा, क्या आप जैसी नेत्री आकर के भ्रष्टाचार का अंत कर पाएगी? गांव के अंदर का भ्रष्टाचार जो एक मूल मुद्दा है, वो सड़क का हो या नाली खड़ंजे या शौचालय का हो, किसी भी तरह का हो, भ्रष्टाचार है ये सत्य है, लेकिन अगर खत्म होगा तो कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार है ये सत्य है और ये सभी जानते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व की कोई कमी कोई गलती नहीं है, कहीं कमियां हमारे आपके बीच के जो कुछ लोग हैं ये वही लोग हैं, कोई बाहर के तो नहीं है, दूसरी ही पार्टी से हो चाहे हमारे पर उसी वही लोग हैं, बाहर के ना आपके अधिकारी भी वही हैं, तो ये धीरे धीरे इन्हीं के राज में ये भ्रष्टाचार अगर खत्म मोदी जी और योगी जी नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये बिल्कुल खत्म होगा और हम जैसे जमीन में जो काम करने वाले चल रहे हैं समाज सेवी, वो इस मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जमीन पे पूरी 100% चीजें मोदी जी की और योगी जी की विचारधारा पे जमीन पे। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि पंचायत चुनाव में युवाओं के नेतृत्व के बारे में आप क्या सोचती हैं, कि युवा आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा या वही जो बुजुर्ग एक दबंग मानसिकता के लोग चुनाव जीतते रहे, तो क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए यहाँ से? नहीं नहीं, युवा चाह रही है, युवा पीढ़ी आएगी और आपके जो कूटनीत वाले जो आज तक कूटनीत करते रहे इधर से उधर कूटनीत में, इसको नहीं उसको नहीं ये करके, तो वो ना आएंगे
और हमारी जनता बहुत जागरूक हो रही है। और आप जैसे अगर गांव पे चर्चा चार से दस गांव में अभी आप के गांव पे चर्चा मैं देखती हूँ कि आप उधर ही कर रहे हैं, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है जो ये मऊ मानिकपुर है। और अगर आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इधर भी आकर के ये गांव पर चर्चा जरूर। तो ये है हमारे साथ ममता तिवारी और इन्होंने गांव पर चर्चा को सुना था हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी इन्होंने गांव पर चर्चा को पढ़ा और जाना। उसके बाद से लेकर के मऊ तक जब ये आवाज़ पहुंची तो मऊ भ्रमण के दौरान ममता तिवारी हमें यहाँ मिलती हैं और उनकी आवाज़ पर एक मुलाकात के दौरान गाँव पर चर्चा की एक चर्चा होती है जिसके लिए एक शुभकामनाएँ भी मिलती हैं और गाँव के भ्रष्टाचार और गाँव के विकास के बारे में और नेतृत्व में बदलाव के बारे में एक चर्चा होती है। तो इस यही एक सोच है गांव पर चर्चा के लिए और आगे भी हम चाहते हैं कि चर्चा ऐसी चलती रहे। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे गांव पर चर्चा में कहीं और से किसी और के साथ किसी और गांव में।